हाय फ्रेंड्स, आज के अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली जनवरी है। इसमें लिखा है, डॉक्टर्स लाइकली टू गेट 50% कोटा इन पीजी सीट्स फॉर रूरल सर्विस, प्रपोजल पार्ट ऑफ ड्राफ्ट मेडिकल बिल। कहने का मतलब ये है कि सरकार बड़ी परेशान है और गाँव में डॉक्टर नहीं है। लिखा है, फेस्ड विद ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज 50% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो MD MS करने के लिए 50% रिजर्वेशन। हमारे देशवासियों को इस बात का ज्ञान होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में मेडिकल फील्ड को बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और सफल कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। 50% आप रिजर्वेशन कर देंगे पीजी सीट्स पर, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जनरल सीट्स सिर्फ 50% रह जाती हैं। और जनरल सीट्स वो होती हैं जिसमें अपर कास्ट के लोग तो है ही हैं, अगर वो BC SC ST के बच्चे, भगवान ने सबको एक प्रकार बनाया है, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, बट अगर उनके मार्क्स अच्छे आ गए तो जनरल सीट से, अगर अच्छे नहीं आए तो SC ST OBC कोटा में से तो सफाई कर ही लेंगे। तो उनका हक दोनों तरफ है, ये बड़ा आडंबर है। गॉड सेव द कंट्री। अच्छा, फिर आइए तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फुल आलंघन हो रहा है। वहाँ पर रिजर्वेशन 50% से भी ज़्यादा है। अब कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाती, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाती, जबकि खुलेआम इसका पालन नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट इसको, द प्रपोजल पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल 2016 ऑल्सो सजेस्ट दैट सच कैंडिडेट बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अनदर 3 ईयर्स इन रिमोट एरियाज। अब 3 साल पहले पोस्ट रूरल सर्विस करें, फिर PG सीट्स में आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा, उसके बाद 3 साल फिर रूरल में सर्व करें। बाई गॉड, 5.5 साल की MBBS, फिर 3 साल गाँव में, 8.5 साल, फिर 3 साल की PG, 11.5 साल, 30 साल फिर गाँव के अंदर, कितने हो गए, 9 और 14.5 साल। अगर कोई डॉक्टर 12वीं पास करने के बाद 14.5 साल इसी में लगा देगा तो आगे क्या करेगा, अपने लिए क्या करेगा, अपने परिवार के लिए क्या करेगा, कॉमेडी है भाई। गुड। और दूसरी बात, आप डॉक्टर्स को पैसे ज़्यादा दीजिए, अच्छी सैलरी देंगे तो गांव में कोई जा सकता है जिसकी इच्छा होगी। आपने उनको, डॉक्टरों को सैलरी अच्छी नहीं देनी है, बट काम पूरा कराना है। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार को ये लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फीस बड़ी नाममात्र है, तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ी सी फीस बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता इतनी बढ़ा दीजिए कि कोई गरीब बच्चा उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। अब गरीब तो कोई जनरल कोटा में भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC होता है, एक ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है। वो हमारे देश का आडंबर है, कॉमेडी है कि ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। चलिए, हम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। अब यूँ बात करें, ठीक है गरीब हो सकता है तो उसको मेडिकल कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा मत रखिए, मान लीजिए। और फिर लोगों का कहना है कि बच्चे तो अपना MBBS करके मेडिकल पढ़ के विदेश चले जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो देश में व्यवस्था है, कोई भी डॉक्टर तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर नहीं होता। और देश में पासपोर्ट वीज़ा भी तभी मिलता है जब आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो आप देश में ऐसा कर सकते हैं कि कोई डॉक्टर जब तक
एक पर्टिकुलर टाइम इंडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर, चाहे गाजियाबाद के अंदर, चाहे गांव के अंदर, पर्टिकुलर टाइम सर्व नहीं करेगा, वो देश छोड़ के नहीं जा सकता। इतना आप कर सकते हैं, बट अगर कोई देश में सर्विस कर रहा है तो क्यों फोर्स करना है किसी को गांव में जाने के लिए? जो गांव में जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, उनको अच्छी सैलरी दीजिए। अच्छा, मान लीजिए अगर आप उनको डॉक्टर्स को कानून के द्वारा करेंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी भी तो बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपना नाम लिखा देते हैं, जॉब ले लेते हैं, घूस दे के CMO को पटा के आधी सैलरी बांट लेते हैं और कोई नहीं जाता। एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी ऐसा हो रहा है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तब भी ऐसा होगा। हिंदुस्तान में घूसबाजी बहुत है, रूरल एरिया में, NRHM में बहुत करप्शन है, तो करप्शन करके भी लोग इसकी सीट का फ़ायदा उठा लेंगे। तो काम वो कीजिए जो सबको मंजूर हो। पैसे सबको प्यारे हैं, सैलरी सबको प्यारी है, लाइफस्टाइल सबको प्यारा है, वो बात की जाए जो प्रैक्टिकल है। थैंक यू।